धमकी के बावजूद ताइवान ने दिखाई चीन को आग। इस वक्त की बड़ी खबर, एक स्प्रिटेली द्वीप के पास ताइवान ने तैनात की पनडुब्बी। चीन से टेंशन के बीच ताइवान की दो हाईटेक सबमरीन तैनात हो गई है। ताइवान ने साउथ चाइना सी में ट्रेनिंग के लिए भेजी सबमरीन। यह बड़ी खबर है और यह सिर्फ साइओप्स नहीं है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अशोक सर मौजूद है। अशोक सर, ताइवान का जो ये अभी पॉस्चरिंग है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको देखता हूं जो बिल्कुल अब जो मुलाकात, ये वर्चुअल मीटिंग है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की और शी जिनपिंग की, वो होने वाली है और उसमें ताइवान का मुद्दा जरूर उठकर आएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठकर आएगा। तो वहां पर ताइवान भी एक ये संदेश देना चाहता है मेरे विचार से, और राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ये कहना चाहता है जो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पिछले कुछ महीनों से और पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं जो चीन इतने ज्यादा उसकी वायलेशन कर रहा है, उसकी एयर डिफेंस स्पेस की, इतने ज्यादा हवाई जहाज वहां पर भेज रहे हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साई ऑफ्स वो कर रहा है ताइवान के विरुद्ध, परंतु फिर भी ताइवान का ये संदेश है अमेरिका को और पूरी दुनिया को जो हम तैयार हैं, हम चीन के दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक सेटिंग द स्टेज है इस मुलाकात के लिए भी और चीन के लिए भी ये संदेश है जो आप कुछ भी करते रहें परंतु हम अपनी जो स्वतंत्रता है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैदी से उसमें हम लड़ाई करेंगे। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन आपने मेरी खबर को ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर दिया अशोक सर, विच इज प्रीटी गुड, बट नहीं, दैट्स ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं इस चीज पे थोड़ा आगे डेलिब्रेशंस और लेना चाहूंगा पुष्पेश सर से भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।